अगर आपने भी दिया है 26 फरवरी 2019 को 10th के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हिंदी का एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप न्यू विजिटर हैं, ये हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह से एग्जामिनेशन तक और एग्जामिनेशन के बाद भी आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियोज लाता रहूं। चलिए तो शुरू करते हैं एग्जामिनेशन पेपर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th क्लास के एग्जामिनेशन में पूछे गए फर्स्ट सेटिंग में हिंदी का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, जिसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत वो किस इसके केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्ला खां के बारे में है। गुणवाचक संज्ञा है अच्छा। तीसरा, अधर्म में अध, अगर आपका सेट कोई दूसरा है तो आप क्या करें, आप वीडियो रोक के और देख ले कि अधर्म आपका कौन सा क्वेश्चन में है, और उसके बाद फिर आप उसको मिला सकते हैं। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सी एक कविता नहीं है, नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेटे की माँ है लक्ष्मी, ढहते विश्वास है आपके वो जो एक बुक था सेकंड बुक, उसमें ढहते विश्वास में लक्ष्मी है तीन बेटों की माँ। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, ये है दिनकर की कविता। जनतंत्र का जन्म, सर्वनाम का भेद है संज्ञावाचक, बाकी सब संबंधवाचक, बाकी सब संज्ञा का भेद है। चलिए नेक्स्ट, जीत जीत मैं निखरत जाऊं किस पाठ की विधा है, तो एक प्रकार का साक्षात्कार है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, तो प्रविशेषण विशेषण का भेद नहीं है, बाकी सारे विशेषण के भेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तार सप्तक का संपादक किया है अगे ने, जिन्होंने हिरोशिमा के बारे में लिखा है। और लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण तेल है। जन्म से ही पागल थी, शुद्ध वाक्य है रोटी ताजी है, दाल अच्छा नहीं है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जन्म से पागल थी मंगू, तो यहाँ पे मंगू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र था अविन्यो। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। अगर एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए तो आप इसके लिए क्षमा करेंगे, फिर भी बच्चों को पूरी तरह से खोज की और एक्सपर्ट की सलाह से इसको बनाया गया है वीडियो को। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की आदि कवि। देखिए इसमें मुझे कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय के सिमरिया नामक स्थान में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति कहा है मैक्स मूलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका जन्म 1938 में 4 फरवरी शुक्रवार 1938 को हुआ था। लिखाई में प्रत्यय है आई। रंगप्पा एक था किसान था रंगप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। सामरदैया राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं। सरहदपात की कृति है मृच्छकटिकम ऑप्शन नंबर सी। घनानंद कवि है रीतिमुक्त। खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। द्वंद्व समास है दिन और रात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लेखक के घर में मछली खाते थे स्वयं लेखक। जारशाही सोवियत रूस में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें मुझे फ्रांस लग रहा है, लेकिन स्टैंड ने सोवियत रूस किया है, बट इसमें फ्रांस देख लेंगे आप, बाकी आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है बागपति, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, तो सर्वनाम है वह। स्वर संधि का एक उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है बागदेवी। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के जन्म के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहब का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। अशुद्ध वाक्य अशुद्ध शब्द है श्रृंगार, ऐसे होता है यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है श्रृंगार लिखा हुआ है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, तो यहाँ पे चौराहा जो है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है।
बाकी पवन पुत्र, राजपुत्र, वनवास, ये सभी जो है जो तत्पुरुष समास के उदाहरण है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। चलिए नेक्स्ट, ये जो है अति सुधो, ये जो है जो घनानंद का है, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट में इसके बारे में कंफर्म करता हूँ जी। तो ये घनानंद द्वारा लिखा गया अति सुधो स्नेह को मारंग है। उसके बाद लेखक को मछली खाने के लिए मना किया उसकी, तो मना किया था उन्हें माने, पिता तो सपोर्ट में ही थे कि मछली का गोश्त वो खाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्दांत विभाष मानवीय विभाषिका का चित्रण करती है एक वृक्ष की हत्या, सभी पुराने अच्छे नहीं होते, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। साहित्य के निर्माण में प्रभुत्वशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका थी। शुद्ध शब्द है अभिलाषा। मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की अवस्था में जिनपिंग विद्यालय से संस्कृत का अध्ययन किया। सेकेंड सेटिंग और संस्कृत के क्वेश्चंस के लिए भी हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहें। आप लोगों के विजिट करने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो गया हो तो मुझे माफ़ करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।